अलीग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेजी अब्बास। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। गंदे पानी को पीने पर मजबूर यहां के लोग, शिकायत करने पर अफसर सुनाते हैं खरी खोटी। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र में स्थित मछली वाली गली का है, जहां काफ़ी दिनों से टंकियों में गंदे पानी की आने की शिकायत आ रही थी, जिसको लेकर आज कुछ कॉलोनी वासियों के द्वारा गंदा पानी ले जाकर नगर निगम के अधिकारियों को दिखाया गया। गंदे पानी को देखकर नगर निगम के अधिकारी बेफर पड़े और शिकायतकर्ताओं पर ही गंदा पानी लाने का उल्टा आरोप लगाते हुए खरी खोटी सुनाते हुए सभी को कार्यालय के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं इसकी सूचना किसी तरह आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को हुई तो दर्जन भर से ज़्यादा पदाधिकारी नगर निगम धरने पर जाकर बैठ गए और गंदे पानी को लेकर नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देख नगर निगम अधिकारी भी मौके पर आ गए और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले की जांच करने का आश्वासन दिया। रसलगंज मछली वाली गली में पानी कह रहे कि गंदा आ रहा है। मैंने इनका प्रार्थना पत्र ले लिया है और अभी मैं टीम भेज रहा हूँ। टीम जाएगी और वहाँ निदान कर रहा। किस मामले को लेकर आज नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया आप लोगों ने? अलीगढ़ के अंदर जो पानी सप्लाई हो रहा है, खासतौर से रसलगंज के क्षेत्र में प्रदूषित पानी है, जिसको आपने अभी देखा होगा, जिस पानी से वो कपड़े नहीं धो सकते, बर्तन नहीं धो सकते, यहाँ तक कि आप अपना कमरा नहीं धो सकते, उसको पीने में मजबूर है यहाँ का लोग। इसी समस्या को लेकर नगर निगम हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ के जो राज बहादुर हैं अधिकारी मौजूद मौके पर, उन्होंने अभद्रता की, बदतमीजी की, लोगों के साथ मिसबिहेव किया, उसकी वजह से यहाँ पर धरना देने मजबूर हुए। लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने आज वादा किया है कि 45 मिनट के अंदर हम टीम भेज रहे हैं, तो हम इसका इंतजार करेंगे कि हमारा पानी जल्द से जल्द सही हो जाए।